नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ वो मैं आपको हिस्ट्री का पेपर बता रहा हूँ। किसका? इतिहास का पेपर। और ये जितने भी 12th है बोर्ड के स्टूडेंट है, जिनका 27 मार्च को पेपर होने वाला है, ये पेपर आप देख के चले जाना। बहुत ही क्वेश्चन इस पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये आपका मतलब कि जैसे कि 3.5 घंटे का पेपर है, 80 पूर्णांक है, ठीक है? तो बात करते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं ही बताऊंगा, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और साथ में आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक, ठीक है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? देखो, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है। काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? देखो, इस वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अश्व घोष किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे? देखो, वो जो जिस राजा के दरबार में रहते थे उसका नेम है कनिष्क। अश्व घोष एवं दार्शनिक और कवि थे, जिन्हें कालिदास 5वीं शताब्दी से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका, सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कौन सी नदी के किनारे हुआ था? वो हुआ था झेलम नदी के किनारे, ठीक है? पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? कौन सी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, वो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। और इस परिषद के अध्यक्ष व सुमित्र थे, जिनमें अश्व घोष उपाध्यक्ष थे। अभी यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मिलिंद पनहो के अनुसार मेनांडर किस धर्म का अनुयायी बन गया था? किस धर्म का अनुयायी बन गया था? देखो, मेनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस धर्म किस वर्ष अधिकार किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष अधिकार किया, ठीक है? देखो, नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारा, नगरी, चंदेरी आदि को जीतकर, मतलब कि 1505 ईस्वी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का ये बता दिया, पांचों बता दिया, छठा बता दिया मैंने, सातवां आपको बता दिया। आठवें नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। नवे नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हो, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? चंद्रसेन ने जो संघर्ष शुरू किया था ना, उसका अनुसरण करके महाराणा प्रताप ने एक बड़ा नाम कमाया। इसी कारण से चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ के प्रताप के रूप में भी जाना जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हो, राणा कुंभा को हिंदू सूर्य त्राण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है महाराणा कुंभा को? देखो, मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंभा ने अपने शासन काल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राजप्रसादों का निर्माण कराया था। इस वजह से उसको हिंदू सूर्यत्राण के नाम से जाना जाता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? क्या है आपके अनुसार? देखो, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4थी सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक सलाहात्मक है, ठीक है? तो देखो, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आंसर इतने सरल रूप से बता रहा हूँ कि आपको दोबारा पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको याद हो जाएगा। अब देखो, 12वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है?
सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते हैं। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती है। अधिकांशतः ईंटें आयताकार आकार की होती है, ठीक है, इस वजह से। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक, चलिए दोबारा से बता देता हूं, सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्य किए? सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्य किए? क्या कार्य किए थे? देखो, हर्षवर्धन उपलब्धियों का वर्णन जैसे राज्य श्री की मुक्ति और कन्नौज राज्य की प्राप्ति, सेकंड है पंच प्रांतों पर विजय। हर्षवर्धन ने, देखो, कन्नौज उसकी राजधानी थी जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चाणक्य के शासक, ये मतलब कि छोटा मोटा इसका आंसर आप देख लेना, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि यूनानी आक्रमण के मुद्रा के क्षेत्र को प्रभावित किया? देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि यूनानी आक्रमण ने मुद्रा क्षेत्र को एक तरीके से प्रभावित किया? कैसे कह सकते हो? देखो, यूनानी आक्रमण ने भारत में मुद्रा सिक्के के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने सोने के ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी, जबकि पूर्व में प्रचलित चांदी के सिक्कों पर ऐसा कोई वर्णन नहीं होता था। इसके अतिरिक्त यूनानियों द्वारा प्रचलित सिक्के निर्माण कला की उत्कृष्टता के कारण भी श्रेष्ठ है। ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान से आंसर बता रहा हूं, फिर भी आपको याद नहीं हो रहे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको याद हो जाने चाहिए वैसे देखा जाए तो, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप हमीर चौहान के स्थान पर होते तो रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा कैसे, क्या प्रयास करते? सुरक्षा हेतु क्या प्रयास करते? देखो, जो एक तरीके से हमीर देव है, देखो, राणा हमीर देव रण स्तंभपुरा के अंतिम चौहान थे। उन्हें मुसलमान काल कर्म और साहित्य में हमीर देव के रूप में भी जाना जाता है। और चौहान काल की अमूर देखो हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व रखता है। राजस्थान के रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतिभा संपन्न शासक हमीर देव को ही कहा जाता है। इस शासक को चौहान वंश का उदित नक्षत्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 1857 की क्रांति, इसका आंसर क्या होगा? 1857 ईस्वी की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? क्यों दी गई? देखो, अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का हुआ 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विरुद्ध के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय के काल में हुआ? 2 नंबर का क्वेश्चन है टोटली। देखो, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, ठीक है। पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? क्या नाम था? देखो, विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह, भूप सिंह का जन्म 27 फरवरी 1882 और निधन इनका 28 मई 1954 में हो गया था। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता था, राष्ट्रीय पथिक के नाम से। और इनका उर्फ में जो नेम था वो था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। और इन्होंने मुख्य रूप से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। देखो, 19वें नंबर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान उन्नत अवस्था में था? कैसे कह सकते हैं? देखो, प्राचीन भारत के चिकित्सक, अभी जैसे मैं बता देता हूं, प्राचीन भारत के चिकित्सक के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखो, भारत में चिकित्सा और चिकित्सकों के बारे में सबसे पुरानी विश्वसनीय जानकारी 1500 ईसा पूर्व से उपलब्ध है।
हमें वैदिक काल 1500-600 ईसा पूर्व की औषधीय प्रथाओं में उनके ब्राह्मणों आरण्यकों के साथ चार वेदों से अंतर्दृष्टि मिलती है। ठीक है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आप दे देना। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप सभी छात्र। 20वें नंबर का क्वेश्चन, अशोक के धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए, क्या किए? देखो दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, धम्म और साधुता बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापर हित होना, मृदुता दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो ये पेपर था और इसमें और भी क्वेश्चन है जो कि आप देख लेना, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको नहीं आते एक बार पढ़ लेना, पूरा पेपर है। देखो यहाँ पर मैं रोक के बता रहा हूँ आपको, तराइन का द्वितीय युद्ध एक बार इसको पढ़ लेना, पूरा पेपर है। ठीक है, अब देखो बहुत ही लंबा वीडियो जाएगा अगर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देने लग गया तो। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, काफी इंपोर्टेंट पेपर है। ओके।